तो ये है हमारा हिमालयन रॉकेट स्टोव, इसमें हमने ट्रे डाली है हैंडो की। ये इसका हुक है हैंडल पर से निकालने के लिए, और ये है लकड़ियाँ जो हम इसमें लगाएंगे। और इसको रॉकेट स्टोव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे काफ़ी तगड़ा इग्निशन होता है, रॉकेट की तरह इग्नाइट होता है और काफ़ी गर्म कर देता है रूम को। और यहाँ से ऊपर जाएगा और इसके ऊपर एक हेड होता है जो कि इसको बुझने से मतलब वापस इसके स्मोक के अंदर आने से रोकता है। तो ये हमारे भटजी हैं वर्ल्ड पीस गागर के। तो इसमें लगा दी है आग। अब इसमें क्या है कि आपको इसके ना लिड्स को ओपन रखना है और इस लीवर को नीचे रखना होता है। अब देखिए फ्लेम जल चुकी है, इसका ढक्कन बंद रखना होगा मेरे ख्याल से, उल्टा रख दिया। तो अभी इसमें देख सकते हैं आप फ्लेम्स रेड आ गई हैं, जब ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू भी है इसमें तो ब्लू का मतलब है कि काफ़ी वार्म हो गया, अभी काफ़ी गर्म हो गया। अब इसको हम इसका लेड यहाँ से बंद कर देंगे, पीछे का लेड बंद कर देंगे और पूरा रूम गर्म हो जाएगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इसमें वुड्स डालेंगे ना तो इसमें थोड़ा अंदर की तरफ डालना पड़ता है लकड़ियों को, यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ, इस तरफ को लकड़ियाँ लगाते हैं, अगर आप बाहर को लगाओगे तो ये जलेगा नहीं प्रॉपरली, तो अंदर थोड़ा अंदर की तरफ लगाना होता है, ज़्यादा अंदर भी नहीं, बिल्कुल इस एज में। ये धुआं क्यों उठ रहा है? ये तो खोलो भैया, ये जल रहा है अब, ये यहाँ पे बिल्कुल, ये इसका पेंट है फ्रेश, बिल्कुल पहली बार यूज़ हो रहा है, तो उस कोने में लगाना है आपको वुड को, उस कोने में, और ये जल रहा है काफ़ी अच्छा। अब इसका लिड ओपन करने का टाइम आ गया, लिड खोल देते हैं इसका, बंद कर दें इसको, इसको कर दिया हमने यहाँ से बंद, लिड ओपन ओपन कर दिया है पहले से, इसको खोलो एक बार भटजी, देख सकते हैं काफी अच्छे फ्लेम्स। यार यही है पहले का है मोबाइल में, तो काफी देर से ये जल रहा था और देख सकते हैं आप ये बुझ चुका है, लेकिन अभी भी ये इसमें काफी हीट है जिसकी वजह से ये काफी देर तक गर्म रहेगा अभी, तो काफ़ी एफिशिएंट चीज़ है। और इसमें इग्निशन काफ़ी अच्छा होता है वुड्स का, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं करता है। वैसे तो ये बुझ चुका है बट जो इसका वुड है ये कोल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये काफ़ी देर तक हीट अप रहेगा, तो ये काफ़ी एफिशिएंट चीज़ है इसकी।